अल्प वर्षा से सोयाबीन मक्का ज्वारा की फसलें सूखने के कगार पर हैं और अधिकांश फसलों पर सूखा रोग होने से पत्ते झड़ रहे हैं और सोयाबीन की फलियां भी सूखकर खराब होने लगी हैं। गुरुवार के दिन तहसील क्षेत्र के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसील क्षेत्र के खेतों के सर्वे कर शीघ्र अठानेर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। क्षेत्रीय जनपद सदस्य तरुण साकारे के नेतृत्व में जामठी धमोरी सवांगी हिवरा जामगांव के किसानों ने खराब सोयाबीन लाकर तहसीलदार राकेश सिंह को दिखाई। क्षेत्र के किसानों द्वारा प्रतिदिन अल्प बारिश से खराब हुई फसलें को लेकर साथ आ रहे हैं और तहसील में ज्ञापन सौंप रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से ज्ञापन देने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में कृषकों ने शीघ्र ही तहसील क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। मुख्य रूप से क्षेत्र की सोयाबीन और मक्के की फसल किसानों की जीविका के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार की कम बारिश से फसलें पूरी तरह चौपट होने की कगार पर है। अल्प वर्षा के सोयाबीन मक्का मूंगफली की फसल खराब होने से जहां किसान वर्ग में चिंता का माहौल दिखने लगा है, वहीं दूसरे ओर व्यापार व्यवसाय पर सूखे का असर देखने को मिल रहा है। सितंबर माह में गर्मी जैसा नजारा देखने को मिल रहा है और किसानों में सूखे को लेकर चिंता है। नगर व्यापारी जागपत राम नारायण साहू, मनोज जैन, मानिकवार बस्सार ने बताया कि तहसील के क्षेत्र में जमाठी धमोरी गांव के किसान गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर जनपद सदस्य तरुण साकेत के नेतृत्व में हेमराज माकड़े, दिगंबर सातपुते, प्रकाश बनाई, तुकाराम सराटकर, हेमराज मायावाड़, नारायण पड़ांगरे, दिलीप माकोड़े, गंगाराम सातपुते। बैतूल से अनिल कजोड़ी की रिपोर्ट। आप देख रहे थे न्यूज 360.com खबरें अलग अंदाज में।